हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले आपके पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, मेरी कोई भी वीडियोस टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने अगर कोई वीडियो अचानक से पॉपअप होती है तो उस वीडियो में डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा होगा 100%। प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, वो व्यक्ति इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में धन चाहिए, धन संपत्ति। यहाँ पर ज़्यादातर वो रूड बिहेव कर रहे हैं, दुनिया से रूड बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ आपसे नहीं अपने परिवार से भी बहुत अच्छा इनका तालमेल नहीं बन पा रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो पैसा है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी लाइफ में शांति होगी, ये इनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है, ऐसा इनको नज़र आ रहा है। इस तरह की सोच है आपके पर्सन की अभी इस वक्त। क्यों ऐसा इनको लग रहा है, इनको लगता है कि पूरी दुनिया धोखेबाज है, कोई इनका अपना नहीं है, कोई इनका सगा नहीं है, लाइफ में सिर्फ पैसा ही काम आता है और कोई शख्स, कोई प्यार मोहब्बत कुछ काम नहीं आती, ऐसी इनकी एनर्जी है इस वक्त। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं ज़रा देखते हैं, क्योंकि ये ट्रैप्ड हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी किसी बंधन में हो या ये किसी बंधन में हैं जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, कई बार आपको मिस करते हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिश रहती है, आपके बारे में सोचते हैं, याद करते हैं आपको। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी उजाला हो, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हो आपके साथ। बट अगर ये आपके साथ नहीं है, अगर ये आपके साथ नहीं है मतलब कि अगर आपके साथ यूनियन में नहीं है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि मैं पैसे कमा लूँ। समझ रहे हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जिस सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड है वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं या कर रही हैं, बट नहीं मूव ऑन कर पा रहे। तो इनका जो पूरा फोकस है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ करियर पे है, ये वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब मैं अपने पार्टनर से दूर ही हूँ, जब मैं अपने पार्टनर को अचीव नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, उनसे शादी नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, तो ये बहुत रूड हो गए हैं, बहुत सख्त इनका मिजाज हो गया है। ना खुश रहना, ना इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम इनका अच्छा जाता होगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सख्त एनर्जी में है, रूड एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एंग्जाइटी है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है। घर में भी इनसे लोग परेशान होंगे इनके इस बिहेवियर से, बट इनका जो फोकस है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या आपको मिस करते हैं, अगर आपसे दूर भी हैं, अगर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड भी हैं, तो क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं, मिस करते हैं, प्यार करते हैं आपसे या नहीं। बहुत प्यार करते हैं, एस ऑफ कप्स। कैसे इन्होंने अपने दिल से चिपका कर रखा है इस कप को, इस तरह की वाइब्स है, इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पर बहुत प्यार है आपके लिए, बट ये वेटिंग से परेशान हो चुके हैं और ये बहुत ईगो में आ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर जीतना है तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ का प्रयोग करना पड़ेगा, बिना स्ट्रेंथ के प्रयोग के कुछ नहीं होने वाला। इनको ये बात का रियलाइजेशन है। जैसे हाथी है, बहुत शांत रहता है, मस्त मौला रहता है, अपनी लाइफ में इन्जॉय करता है, पर जब हाथी का माथा घूमता है तो वो तहस नहस कर देता है, पूरा डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं शांत हूँ ठीक है, जब भी मैं अपने एम्परर मोड में आ गया ना, अपने ज़िद पे आ गया ना, तो मेरे लिए फिर कोई वेटिंग एनर्जी नहीं रहेगी। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो एक्शन ले सकता हूँ, जब चाहे जिससे चाहे उससे दूरी बना सकता हूँ, जिस भी टेंशन में हूँ उससे बाहर निकल के यूनियन कर सकता हूँ, अपना घर बसा सकता हूँ या बसा सकती हूँ उस शख्स के साथ जिससे ये प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ हैं, बट जब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें इनके हाथ में नहीं हैं, इनके फेवर में नहीं हैं, तो बेटर है कि अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए करियर में फोकस करके। ये इनकी वाइब्स है इस वक्त, करंट सिचुएशन।
देखते हैं इमिजिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, इमिजिएट एक्शन आपकी तरफ। क्या मेरे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या कॉन्टैक्ट रिसीव होगा, मैसेजेस कॉल्स आएंगे क्या? यहाँ पर जो वाइब्स है, बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे हम, वी हैव सन एनर्जी, तो यहाँ पर वन नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे आपके पर्सन की तरफ से। कुछ फियरफुल एनर्जी में ज़रूर रहेंगे आपके पर्सन, थोड़ा डाउटफुल एनर्जी रहेगी। अपने इंट्यूशन की सुने तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, सही एक्शन देंगे, सही दिशा में लेंगे। बट अगर ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईगो से भरे हुए हैं या किसी दूसरे की बात सुनकर एक्शन लेते हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज़ ये अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्शन ओरिएंटेड है, मैसेजेस कॉल्स, यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नज़र आएगा आपकी लव लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये एनर्जी वैसे ही रेजोनेट करेगी। जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं? आप कॉन्टैक्ट में तो हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बड़ा स्मूथ नज़र नहीं आ रहा, अभी भी आप दोनों के बीच में खाई हैं जिसे पार करना है, ये एनर्जी है। शादी से रिलेटेड, जो कमिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से कई लोग लव मैरिज करने के लिए, मतलब कोर्ट मैरिज के लिए भी रेडी हैं, बट स्टिल कोर्ट मैरिज में भी इश्यूज आ रहे हैं, ऐसी वाइब्स है। ऑब्स्टिकल्स हैं, 5 5 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, अगेन नंबर 5, 1 + 4 इज़ इक्वल्स टू 5, सो 555 आने वाले 5 दिन या 50 आवर्स के अंदर कुछ मेजर चेंज आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा सतर्क रहिए, अगर आपके पर्सन ओवर बिजी हैं या आपसे बात नहीं कर रहे या साइलेंट जोन में हैं, गिव हिम और गिव हर सम टाइम, बिल्कुल सब्र रखिएगा, हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आने वाले 5 दिन के अंदर या 50 घंटे के अंदर आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए एनर्जी है, और जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी मैंने आपको गाइड कर दिया है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। इमेजिन करिए जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, इमेजिन करने से वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं होती हैं, बट होती हैं। मैंने खुद क्रिएट किए हैं ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जो मैंने इमेजिन करी हैं लाइफ में, वो चीज़ें हो जाती हैं क्रिएट। कुछ लोगों की लाइफ से कुछ सिचुएशंस कम्प्लीटली एंड हुई हैं, मे बी आपका रिश्ता ख़त्म हो गया हो, मे बी आपका डिवोर्स हो गया हो या डिवोर्स प्रोसेस में हो, या आपका कपल जो आपका है, आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो, बैडली एंड हुआ हो किसी सिचुएशन का। कई ऐसे भी लोग हैं मेरे चैनल पे जिनके जो स्पेशल पर्सन थे, जो उनके पार्टनर थे या पार्टनर थी, उनकी मृत्यु हो गई सडनली, और उनको ऐसा लगा कि यार हमने तो कितने सपने देखे थे एक साथ और सडनली चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ ज़ीरो हो गया बिल्कुल, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए है, आई एम लर्निंग द एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। कुछ ख़त्म हुआ है ना तो उसके बाद एक नई शुरुआत भी होगी। कभी भी अपने लाइफ से हारना नहीं, कभी भी ये मत सोचना कि अब आप शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ख़त्म होना था इसलिए हुआ, डेस्टिनी होती है, सब भाग्य होता है। कई लोगों को लग रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं आप, आपको ऐसा लग रहा है दुनिया में धरती पर कोई भी नहीं है, इस बिलियंस ऑफ बिलियंस लोगों के बीच में आपका अपना कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके अपने होते हैं और आपके अपने आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं और आपके ईस्ट हैं, जो कभी आपसे चीटिंग नहीं करते। अपने पर्पस पर फोकस कीजिए, आप इस धरती पर क्या करने आए हैं, कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जीने मरने आए थे या आप कुछ और भी करने आए थे, तो कुछ और जो करने आए थे उस पर फोकस कीजिए, ये भी यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है।
तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो ऐसा मत किया करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेलापन फील करते हैं और आपको लगता है कि धरती पर आप बहुत अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, या सारे दुनिया के दुख आप ही के साथ हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ें सबके साथ होती हैं। कुछ लोग जताते हैं, कुछ लोग नहीं जताते। कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन चैलेंजेस को ईजिली लेते हैं और लेट गो करते हैं चीज़ों को। तो डिपेंड करती है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। तो यहाँ पर अपने आप को बिज़ी करो, अपने सोल मिशन, अपने पर्पस पर फोकस करो। ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेड मैसेजेस हैं, जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल मॉर्निंग में नई वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।